तो क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैलून में। अमराउंग विनीत आपके सामने हाजिर हूँ लेकर क्या इनकम एंड अदर क्राइटेरिया पब्लिक फैसिलिटीज के 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। भाई साहब ये वो क्वेश्चन है जो लगातार बार 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 आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले वो सभी के सभी क्वेश्चन, जिससे आपका ये सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, मतलब आपके दिमाग में घुस जाएंगी चीजें। तो चलिए क्लास इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है डिफाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ओके, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो एंड बीएमआई। भाई एक्सप्लेनेशन फॉर्म के अंदर आ गया है, यानी डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है आपको। एक एक करके हम सारी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते चलते हैं, क्लियर। चलिए अगर हम बात करते हैं बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, आप जानते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर क्या होता है। एक वर्ष से कम बच्चे चाइल्ड हूज एज इज बिलो 1 ईयर, जिनकी एज 1 साल से कम है, ठीक है, जो डेथ बेबीज है बेसिकली, ठीक है, डेथ बेबीज, डेड बेबीज बिलो 1 ईयर एज, इनकी एज 1 साल से कम है, ठीक है, और 1 ईयर के अंदर पैदा हुए बच्चों के ऊपर, मतलब 1 वर्ष के अंदर जितने बच्चे पैदा होते हैं उन पे मरने वाले बच्चों की संख्या जिनकी उम्र 1 वर्ष से कम है, बेसिकली उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। लिटरेसी रेट आप जानते हैं, एक पर्सन जिसकी उम्र 7 ईयर्स या उससे अधिक है, उससे प्लस है, ठीक है, और ही और शी कैन रीड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इज नॉन टू बी लिटरेट। नेट अटेंडेंस रेशियो, स्कूल के अंदर जाने वाले बच्चों की जो संख्या होती है उसको स्टूडेंट रेशियो कहते हैं। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स होता है, आपकी हाइट और आपके वेट के बीच का रेशियो, क्लियर। चलिए अब एक एक करके इसको क्लियर करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, जिनकी जो डेथ है वो 1 वर्ष से पहले हो जाती है। प्रोपोर्शनल किससे लिया जाता है, 100 मतलब 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, यानी 1 ईयर के अंदर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, उन पर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 1 वर्ष से कम थी और उनकी डेथ हो चुकी है, उसी को हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट की बात करते हैं, इसका ये मेजर किया जाता है उस पॉपुलेशन से, पोर्शन से जो लिटरेट पॉपुलेशन है जिसकी एज 7 या उससे अबव, ठीक है, 7 या उससे अधिक एज है और वो ही और शी कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो, ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10, जो 6 से 10 साल के बच्चे हैं और जो स्कूल जा रहे हैं अटेंड कर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज ग्रुप से उसका रेशियो निकाला जाता है, क्लियर, ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, इस एज ग्रुप में कितने बच्चे और कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उससे रेशियो निकाला जाता है। बीएमआई है बॉडी मास इंडेक्स, ये कैलकुलेट करता है, डिवाइड करते हैं जब अपने वेट को ऑफ पर्सन इन किलोग्राम्स बाय स्क्वायर ऑफ हिज और हर हाइट, जब उसके वेट को, ठीक है, जो किलो में है उसको उसकी हाइट से जो मीटर के अंदर होती है, ठीक है, उससे डिवाइड करते हैं, तो ये इंडिकेटर होता है कि आपकी जो बॉडी के अंदर जो मास है, ठीक है, मास है जो हमारी बॉडी के अंदर, क्या वो प्रोपोर्शनेट है, क्या हमें उतना खाना मिल रहा है, क्या हमें उतना न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो मेल न्यूट्रिशन इसी का एक पार्ट है, ओबेसिटी, ठीक है, ये भी इसी का एक पार्ट है, क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब, हैंस पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरियन टू ऑल एंड शुड नॉट बी यूज इन कंपेयर स्टेट्स, डू वी एग्री, ओके। हाँ बात सही है कि कब क्या जो केरला है उसकी पर कैपिटा इनकम काफी कम है, लेकिन पंजाब की बहुत ज्यादा है। लेकिन बेटा अगर केरला को और पंजाब को कंपेयर किया जाए तो केरला के अंदर लिटरेसी रेट पंजाब से बहुत ज्यादा हाई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी कम है केरला के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा है, बिकॉज केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा चीजें खर्च करी है। तो इससे ये पता चलता है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो सिंगल इंडिकेटर नहीं है किसी भी डेवलपमेंट का, क्लियर। जो पर कैपिटा इनकम ये यूजफुल क्राइटेरिया नहीं है अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग की बात करते हैं स्टेट की। अगर हायर पर कैपिटा इनकम है ये एक एट्रीब्यूट नहीं है अच्छी जिंदगी का, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हमारी अच्छी सेहत है, इन्फेक्शन डिजीज से प्रोटेक्टिंग है, मोर्टेलिटी रेट का कम होना है, गुड हेल्थी लाइफ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो को बढ़ना है, इन ज़्यादा समय तक हम जी पाए, अगर ये सब हमें चीज़ अचीव करनी है, एफर्ट्स बनाने होंगे सभी लोगों को कम्युनिटी के अंदर, बीट चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, केरला कम अगर पंजाब से कंपेयर करें, ठीक है, तो इन बाकी चीज़ों में ज़्यादा है, बट
पर कैपिटल इनकम में कम है, ठीक है। लेकिन केरला कहाँ कहाँ ज़्यादा है, मोर्टेलिटी रेट केरला के अंदर कम है, लिटरेसी रेट हाई है, और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो स्कूल जा रहे हैं वो भी हाई है। यानी पंजाब से ज़्यादा अच्छी स्थिति केरला की है, जहाँ पर कैपिटल इनकम तो बेशक कम है लेकिन मोर्टेलिटी रेट भी कम है, इंटरेस्ट जो सॉरी लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा हाई है, और नेट अटेंडेंस रेशियो यानी जो बच्चे हैं वो ज़्यादा स्कूल जा रहे हैं। तो पर कैपिटा इनकम ये सारी चीज़ें डिनोट नहीं करवा पाता, तो हमें डेवलपमेंट जो है अलग अलग एट्रीब्यूट्स पे लेना चाहिए मेरे बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ विच थ्री इंडिकेटर्स ऑफ एचडीआई 2004 श्रीलंका हैज बेटर रैंक देन इंडिया। बच्चा ये कह रहा है कि वो कौन से बेसिस है, तीन बेसिस बताने हैं जिसके बेसिस पर इंडिकेट किया गया कि जो श्रीलंका है वो इंडिया से बेटर है 2004 के अंदर। देखते हैं बेटा, हम जानते हैं तीन वो कौन कौन से हैं, पर कैपिटल इनकम हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो यानी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। क्लियर। पर कैपिटल इनकम श्रीलंका इन यूएस डॉलर्स इज 4,390 यूएस डॉलर, जबकि इंडिया की 3,139 यूएस डॉलर है। आप पर कैपिटल इनकम जानते हैं जब आप टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड दे देते हैं, तो ये है इसका आंसर। सेकेंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ पे यानी जैसे ही आप पैदा हुए तो आप कब तक जी सकते हैं, तो अगर हम बात करें श्रीलंका की तो वहाँ पे 74 है और जबकि इंडिया के 64 ही है, यानी इंडिया के कम है और बाकी के श्रीलंका की बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी। थर्ड है ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो ऑफ थ्री लेवल्स, श्रीलंका एंड ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो 16 ऑफ 16 वाइल इंडिया हैज 16। जो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो जो बढ़ने की जो तादाद है वो इंडिया के अंदर सिर्फ 60 है जबकि श्रीलंका के अंदर 69 है, यानी धीरे धीरे टोटल जो तीनों लेवल्स हैं ठीक है, एजुकेशन के, हेल्थ के, सारे सेक्टर्स के, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन विद रीजंस व्हाई स्टेट ऑफ पंजाब विद अ वेरी हाई पर कैपिटल इनकम हैज लो लिटरेसी रेट। कि लो लिटरेसी रेट क्यों है, पर कैपिटल इनकम हाई है तो ज्यादा पढ़े हो रहे चाहिए, नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्कूल्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। वहाँ पे अगर हम देखें तो जो ह्यूमन रिसोर्स के जो जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। चलिए क्लास, पर कैपिटल इनकम सबसे पहला क्राइटेरिया नहीं है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स का डेवलपमेंट का, मैंने सारी चीज़ें नहीं कर सकता खरीद सकता एक ज़िंदगी के लिए। दिस कैन बी सीन जैसे पंजाब के अंदर अगर केस में देखें तो पर कैपिटल इनकम तो काफ़ी हाई है लेकिन लिटरेसी रेट काफ़ी लो है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप गुड एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, मतलब सब सारी गुड एंड सर्विसेज नहीं खरीद सकते अगर आपको अच्छा जीना है, जैसे पैसा एजुकेशन नहीं खरीद सकता। आप टीचर सो को पैसा दे सकते हो पढ़ने के लिए लेकिन एजुकेशन जो है वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा बेटा, आप पैसे से वो नहीं कर सकते। लैक ऑफ मनी कैन नॉट इंश्योर एजुकेशन लिटरेसी। दूसरा कारण यह है लो लिटरेसी रेट का, पंजाब के अंदर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल नहीं, जो गवर्नमेंट है उसको और ज्यादा स्कूल ओपन करना चाहिए और दूसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए दैट ऑल चिल्ड्रन हैव चांस टू स्टडी, ताकि हर एक बच्चे को एक चांस मिल सके कि वो पढ़ पाए। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का ये काम है कि हमें जो बेसिक नेसेसिटीज हैं हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम ठीक है, हेल्थ एजुकेशन फूड शेल्टर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का काम है। पॉल्यूशन फ्री एटमोसफेयर दें, एक अच्छी हेल्थ दें, इन्फेक्शियस डिजीज से प्रोटेक्शन दें, प्रमोशन हो लिटरेसी रेट का, ये सारे गुड स्टैंडर्ड है जीने के, और इसी ऑर्डर के अंदर हम ये चीज़ें चुन पाते हैं और हम चीज़ों को इंश्योर कर पाते हैं कि वो डेवलप हों। ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी बीट रिच और प्योर। अगर कम्युनिटी का पार्ट रहेगा, अगर कम्युनिटी एक साथ रहेगी तभी चीज़ डेवलप हो पाएंगी। आप जानते हैं यू आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो आपको यहाँ पर जो वर्क करना है वो सोसाइटी सोसाइटी के लिए करना है, ना कि एक सिंगल पर्सन के लिए। आप कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमें क्या मतलब, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस सोसाइटी का पार्ट है। अगर सोसाइटी बेकार होगी तो आप खुद बेकार हो जाएंगे, तो आपको एज अ सोसाइटियल पर्सन सोचना है कि हमारी सोसाइटी के अंदर भी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, पढ़ने का मौका मिले और एक अच्छी लाइफ मिले। क्लियर। नेक्स्ट है, मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव वेल। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर विद एनी थ्री सूटेबल आर्गुमेंट्स। आपकी जो जेब में पैसा है वो सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्या आप इस बात से एग्री हैं? यस वी एग्री विद दैट। हम जानते हैं मनी कैन कैन नॉट बाय ऑल द एट्रीब्यूट्स, वो हर एक सिंगल एट्रीब्यूट्स नहीं खरीद सकता, जैसे गुड लाइफ अच्छी जिंदगी नहीं खरीद सकता, इन्फेक्शियस डिजीज फ्री लाइफ नहीं खरीद सकता, यानी डिजीज फ्री लाइफ नहीं खरीद सकता, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता, हमें डिग्निटी नहीं दे सकता, हमें फ्रीडम नहीं दे सकता, हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकता पैसा।
ये सारी चीजें मैं पैसा नहीं दे सकता, मनी कांट बाय ऑल द थिंग्स, क्लियर? यस आई एग्री, हम इस बात से एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से कि भाई पैसा हर एक चीज नहीं कर सकता, ये गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंडिकेटर नहीं है, मनी सारी चीजें नहीं कर सकता, जैसे मनी कैन नॉट बाय पॉल्यूशन फ्री एंड क्लीन एनवायरमेंट, ये पॉल्यूशन फ्री और क्लीन एनवायरमेंट नहीं खरीद सकता, फ्रेश एयर भी नहीं खरीद सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा आप पैसा दो तो क्या भैया हमारे घर पे तो मतलब ताजी ताजी हवा भी हो इंद्रदेव, बाकी सबके घर पे भेज दो पवन देव, फालतू के वहां ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये हमें इन्फेक्शन डिजीज से बचाने की गारंटी नहीं ले सकता, ऐसा होता तो जो अमीर थे भैया कोरोना नहीं होता, उन्हें कोरोना नहीं होता। मनी ये श्योर नहीं कर सकता, जो मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में वो सारी सही है या गलत है या फिर आपको मिल जाएंगी। ऐसा देखा गया जब कोरोना हुआ तो अमीर से अमीर लोगों को भी ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल पाए, खून नहीं मिल पाया, प्लेटलेट्स की कमी थी। टू लिव वेल, अगर आपको जिंदगी अच्छी जीनी है, नो मटेरियल फैक्टर सच एज इक्वल ट्रीटमेंट, ना ही इक्वल ट्रीटमेंट मिल सकता, फ्रीडम, सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटी, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, ये आप नहीं खरीद सकते, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन भी आप नहीं खरीद सकते पैसों से। तो पैसों से ये सारी चीजें बेटा नहीं आ सकती आपके पास। अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा विच अदर सिक्स थिंग्स पीपल लुक फॉर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पैसे के अलावा और क्या चीज़ें जो आप देखते हैं? आप देखते हैं डिग्निटी, आप देखते हैं फ्रीडम, आप देखते हैं पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, आप देखते हैं गुड वर्किंग कंडीशन, आप देखते हैं एजुकेशन फैसिलिटी, आप देखते हैं हेल्थ फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं बच्चे। हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम सिर्फ एट्रीब्यूट नहीं है अच्छी जिंदगी का, इसके अलावा हमें पॉल्यूशन फ्री एटमोसफेयर चाहिए, एक हेल्थी अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ, इन्फेक्शन डिजीज से दूरी चाहिए, मोर्टेलिटी रेट का कम होना, प्रमोशन, लिटरेसी ऑफ, जॉब सिक्योरिटी, गुड वर्किंग कंडीशन, और ये सारे अच्छे जीवन जीने के आधार हैं बेटा। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए अगर हमें अच्छा जीवन जीना है, ठीक है? व्हाट इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी जरूरी क्यों है? एग्जाम्पल से आप जानते हैं सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है बेटा? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि इस तरीके से अपना डेवलपमेंट करना कि आप नेचर को नुकसान ना पहुंचाएं और आपके जो रिसोर्सेज है वो नेक्स्ट जनरेशन में यूज, अपना डेवलपमेंट करो बट नेचर को ध्यान में रख के करो, नेचर को ध्यान में रख के करो मेरा बच्चा, क्लियर? जैसे डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री नीड्स टू बी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होना चाहिए, हर एक कंट्री के पास एक लेवल होता है डेवलपमेंट का कि उससे ऊपर जाए, सब चाहते हैं कि हम इस लेवल से ऊपर जाए, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये वॉर्न भी किया है कि जो प्रेजेंट लेवल है डेवलपमेंट का वो सस्टेनेबल नहीं है, वो हमारे फ्यूचर जनरेशन का जो रिसोर्स है उसको यूज कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, उससे सप्लाई भी लिमिटेड है, तो हमें ध्यान से यानी जुडिशली यानी ध्यान से उसका यूज करना पड़ेगा बच्चा। थर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, कि भैया एनवायरमेंट डैमेज ना हो और टाइम से चीज़ें सेव कर पाए, कि हम हमारा फ्यूचर सेव हो पाए, हम फ्यूचर को कंजर्व कर पाए। नेचुरल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस इन द प्रेजेंट, कि भैया प्रेजेंट में हो बिना कंप्राइज किए हुए आपकी फ्यूचर की नीड्स क्या है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट जनरेशन, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट जो है वो आज की जनरेशन के लिए तो जरूरी है ही है, बल्कि जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचेंगे ही नहीं। तो बेटा अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से इस मैनर में यूज किया जाए कि नेक्स्ट जनरेशन को भी वो चीज़ें मिल पाए गुड लाइफ की, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी एक इंश्योर कर पाए एक अच्छी लाइफ को, क्लियर? नेक्स्ट है सजेस्ट एनी थ्री वेज टू मेंटेन बॉडी मास इंडेक्स, कि BMI को कोई तीन वे बताएं कि वही कि हम BMI संभाल पाएं। आप प्रॉपर फूड लें, ठीक है, हेल्दी जगहों पे जाएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। BMI एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है एक पर्सन की हेल्थ कंडीशन बताने के लिए, ठीक है? ये कैसे निकलता है? ये निकलता है आप अगर अपने वेट को, ठीक है, आपके जो वेट है जो kg में है और अपनी हाइट को जो मीटर में है उसको स्क्वायर कर दें, उसको डिवाइड करने के बाद आपको आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स मिल जाएगा मेरा बच्चा, क्लियर? और कि नरिशमेंट कैसा है, कैसे मेंटेन हो सकता है, एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल, भैया एजुकेशन लेवल कैसा है आपको पता होना चाहिए, आपको कब खाना है, क्या खाना है और कितना खाना है, ठीक है? आप पिज्ज़ा ही पिज्ज़ा खाए जा रहे हैं तो भैया क्या है बोले, BMI बिगड़ जाएगा। स्टेइंग हाइड्रेटेड, पानी पीते रहें, खाना खाते रहें, बैलेंस डाइट लें, इसमें सारी चीज़ें, तब हम मेंटेन कर सकते हैं BMI। और इसके अलावा एक्सरसाइज, कम से कम 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज करें हम पूरे दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर मोस्ट डेज 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज करें तो हमारी BMI जो है वो परफेक्ट रहे, क्लियर?
नेक्स्ट है, सजेस्ट एनी थ्री वेज टू इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल इन इंडिया। कोई तीन तरीके बताएं ताकि हम हेल्थ को और न्यूट्रिशन स्टेटस को इंडिया के अंदर लोगों के उसको बढ़ा पाए। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, हम बहुत सारी इंप्रूवमेंट चला सकते हैं, हम जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको बचा सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज हो गए, चेकअप्स हो गए, जैसे ईट हेल्दी फूड खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स लें, हम रेगुलर अपने ब्लड टेस्ट कराते रहें, बॉडी चेकअप कराते रहें कि हम सही हैं कि नहीं। सेकेंड है टेक मेजर फॉर मेकिंग पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, कि भाई पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रहे और उस मेजर्स के लिए रहें कि हम अपना जो एनवायरनमेंट है उसको सेफ रखें। तीसरा है यूज़ अनडॉलेट्रेटेड प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन, कि भैया अनडॉलेट्रेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो मेडिसिन होते हैं उनका यूज़ करें, जो ज़्यादा बिखरे हुए नहीं होते, ज़्यादा जिनके अंदर ज़्यादा जो चीज़ें खराब नहीं हैं उनका यूज़ करें, मेडिसिन अच्छी लें और कम से कम लें मेडिसिन। एक तो डेफिनेशन ही पूछ ली कि भैया एचडीआई का मतलब क्या है, एचडीआई की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, एक्सप्लेन द मेन क्राइटेरिया, भैया एचडीआई को किस तरीके से मापा जाता है, यानी मेजर कैसे किया जाता है। आप जानते हैं एचडीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हम सभी जानते हैं बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका इसकी फुल फॉर्म है बच्चा, ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म है। एच डी आई के जो क्राइटेरिया वो क्या है, आप जानते हैं एच डी आई के जो क्राइटेरिया है वो है हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, तो इन सबको देखते हैं। एच डी आई पब्लिश यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन लेवल्स, के एजुकेशन लेवल पे देखते हैं, हेल्थ स्टेटस पे देखते हैं और पर कैपिटा इनकम के बेस पे देखते हैं। एच डी आई एच डी आई डिटरमाइन करता है कंट्रीज को अकॉर्डिंग टू रैंक, कि भाई सबसे टॉप पे कौन है, सबसे लीस्ट पे कौन है, और किसके ओवरऑल अचीवमेंट होते हैं तीनों सेक्टर्स के, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल और पर कैपिटा इनकम। बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स सजेस्ट किए गए कि एच डी आई को निकालने के लिए, और बहुत सारे कंपोनेंट्स नए भी ऐड हुए हैं एच डी आई की रैंकिंग निकालने के लिए। 1990 के बाद बहुत सारे चीज़ों को ज्वाइन किया गया और बहुत सारी चीज़ों को हटाया भी गया मेरा बच्चा। प्रीफिक्स किए गए ह्यूमन डेवलपमेंट को, इट हैज़ मेड इट क्लियर दैट वॉट इज इंपॉर्टेंट, कि डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, और वॉट इज हैपनिंग टू सिटीजन्स, कि सिटीजन्स के साथ क्या हो रहा है ऑफ अ कंट्री, द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ द पीपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो वेलबींग है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, कामयाब रहें, यही सारे देशों की या फिर हर एक देश की यही कामना होती है। तो इसी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग जो है वो डिटरमाइन की जाती है कि हेल्थ स्टेटस कैसा है, ठीक है, रैंकिंग, ये सारी चीज़ों को लेकर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बड़ी प्यारी है कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जब हम जो हमारा एनवायरनमेंट है जब उसको हम क्षति पहुंचा देते हैं, यानी नुकसान पहुंचा देते हैं, तो वो नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं देखता, वो स्टेट और नेशनल बाउंड्रीज नहीं देखता भैया, वो तोड़ देता है। मतलब सीधी बात है कि नेचर को नहीं मतलब कि आप किस स्टेट के हैं, आप नेशन के हैं, इससे नहीं मतलब, अगर आपने उसको नुकसान पहुंचाया है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए सब कुछ तहस नहस कर देता है। और ये रियलिटी है बच्चा, कि जब स्कैरसिटी आई, जब कोरोना आया, तो उसने ये नहीं देखा कि आप इंडियन हैं, आप अमेरिकन हैं, ठीक है, आप राजस्थान के, आप दिल्ली के, वेस्ट बंगाल के, नहीं, उसने इक्वली को हराम भर। जब बारिश आती है, जब बाढ़ आती है, या फिर जब सूखा पड़ता है, या फिर लानिनो लीनो इफेक्ट होता है, वो इक्वली सबको बताता है। ऐसा नहीं है कि वो ये देखता हो कि भैया आप, अरे अरे आपने तो कुछ किया ही नहीं, हम आपको नुकसान पहुँचा, नहीं बच्चा, जब बाढ़ भी आती है तो पूरे राज्य को तहस नहस करती है, वो बख्शती नहीं है। तो नेचर किसी को नहीं बख्शता, नेचर डोंट गिव यू अ चांस। क्लियर? एनवायरमेंट इज डिग्रेडेड थ्रू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, हम डिप्लीट करते हैं रिसोर्सेज को, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, और ये डिस्ट्रक्शन को लीड करता है इको सिस्टम के हमारे, और वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उसको भी खत्म कर देता है। ये एक नया ग्लोबल इशू है जिसके ऊपर डिबेट चल रही है दशकों से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नेशन और स्टेट बाउंड्रीज, ये सिर्फ एक बाउंड्री तक रुका नहीं है, बहुत फैला हुआ है। इट्स कॉन्सिक्वेंसेज हैव बीन फेल्ट इन द सराउंडिंग स्टेट्स एंड नेबरिंग कंट्रीज एंड समथिंग ग्लोबली, ये स्टेट से घिरा हुआ है, कंट्रीज फैली हुई हैं यहाँ पर। क्लियर? पॉल्यूशन इन वन कंट्री, अगर हम बात करें पॉल्यूशन एक कंट्री के अंदर में, अफेक्ट द अदर इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा, अगर एक जगह का पॉल्यूशन दूसरी जगह में एसिड रेन बन के बिखरता है, तो सीधी बात है पॉल्यूशन तो एक स्टेट ने किया, एक नेशन ने किया, एसिड रेन दूसरे नेशन में हो रही है। क्लियर?
डिफॉरेस्टेशन बहुत से कंट्रीज के अंदर होते हैं जिससे रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा होगा इंडिया के अंदर भी बहुत जैसी जगह बादल फटने जैसी जो क्लाउड बस की जो कंडीशन है वो भी इसी रीजन से बनती है, दैट द रीजन ऑफ द क्लाउड बस, बिकॉज वी आर डिफॉरेस्टेशन बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन विच आर हैपनिंग फ्रॉम द डिकेड्स। क्लियर? सराउंडिंग डिफॉरेस्टेशन इन ब्राजील हैज कॉज डिस्ट्रीब्यूशन इन रेनफॉल पैटर्न इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया है। लैंड डिग्रेशन एंड डैम बर्स्ट कैन ब्रिंग मैसिव सेलेरेशन, ठीक है, एंड लाइक फ्लड लाइक सिचुएशन की भाई जब डैम बनते हैं, डैम हमने अपने डेवलपमेंट के लिए बनाया है, बट जब जब डैम टूटता है तो जो पानी है वो पहाड़ जैसी स्थिति ले आता है और गांव के गांव उसमें बह जाते हैं हर बच्चा। नेशनल कैलेमिटीज, जो नेशनल कैलेमिटीज होती है यानी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे पूरे देश की जो दुनिया की प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्रेशन, इनको एक सिंगल नेशन कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर इंडिया कहे कि हम ओजोन एमिशन नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ओजोन की जो जो लेयर है वो एकदम से बढ़ जाएगी, अरे अरे अरे, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि भाई हम CFC का एमिशन नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे करने से रुक जाएगा, लेकिन हम सबके करने से रुके तो हम सबको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा इसके अंदर। पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, ये कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर आप देखते हैं पॉल्यूटेड रिवर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं ये बाउंड्रीज नहीं देख रही हैं, ये सभी को इम्पैक्ट कर रही हैं, जिसको हमें रोकना पड़ेगा मेरा बच्चा। क्लियर? नेक्स्ट है, हाउ इज द क्राइटेरियन यूज बाय द UNDP डिफरेंट फॉर द वर्ल्ड बैंक मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? ओके, कि भाई UNDP और वर्ल्ड बैंक कैसे अलग हैं? आप जानते हैं बच्चा, वी ऑल नो दैट UNDP एंड वर्ल्ड बैंक दे बोथ मेक देयर लिस्ट, UNDP मेक HDI, ठीक है। तो HDI के अंदर वो देखते हैं बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स, जस्ट लाइक इफ वी टॉक अबाउट इट्स सी हेल्थ, इट्स सी एजुकेशन, इट्स सी इनकम, बट वर्ल्ड बैंक ओनली सीज वन थिंग, इट्स इनकम, और यू कैन से पर कैपिटा इनकम। ऑन द बेसिस ऑफ द पर कैपिटा इनकम इट डिफ्रेंशिएट द रिच कंट्री, द पुअर कंट्री एंड द मिड वन। ठीक है, अगर हम इनकम के बेस पे देखें तो वर्ल्ड बैंक जो है वो तीन तरीके से बांट देता है, अमीर, गरीबी और मध्यम। लेकिन जो HDI, जो UNDP है बेटा, वो तीन तरीके से बांटता है, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, और इन तीनों के बेसिस पे लेके चलता है। तो UNDP एक वास्ट टर्म है, वर्ल्ड बैंक एक नैरो टर्म, ठीक है। तो इसके अंदर हम ज्यादा चीजों को कवर करते हैं और इसमें सिर्फ एक सिंगल एस्पेक्ट को, और हम सभी जानते हैं इनकम कांट बी अ सिंगल एट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट। जो हमारे पास इनकम है वो सिंगल एट्रीब्यूट नहीं बन सकता बाकी चीजों के लिए, ठीक है। जो क्राइटेरिया UNDP में वो मेजर करते हैं डेवलपमेंट, अगर एक के बाद जो वर्ल्ड बैंक में यूज होते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो UNDP पब्लिश करता है, डेवलपमेंट पैरामीटर्स है उसके, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम, जबकि वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक ही चीज देखता है, वो है पर कैपिटा इनकम, एज वी टॉक्ट अबाउट अर्लियर। UNDP की बात करते हैं, रैंक्स द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के बेसिस पर रैंक देते हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई करता है तीन कैटेगरीज में, रिच कंट्रीज, मिडिल कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज, तीन में करता है, अमीर, मध्यम और। UNDP एज अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क, इसका ब्रॉडर फ्रेमवर्क है मेजर डेवलपमेंट के लिए, जबकि वर्ल्ड बैंक का क्या है, नैरो फ्रेमवर्क है, क्योंकि वो सिंगल एट्रीब्यूट पे फोकस है, जबकि UNDP बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पे फोकस करता है। क्लियर? व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इसके इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करना है, चलिए क्लास करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर करता है ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच को, जो डेवलपमेंट की तरफ जाती है, ये फोकस करता है ह्यूमन के क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट के बारे में, जो ह्यूमन की लाइफ को डिटरमाइन करते हैं और उनको आगे लेकर जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें हेल्थ फैसिलिटीज मिले, हम गुड वर्किंग कंडीशन मिले, हमें जॉब सिक्योरिटी मिले, ठीक है, हमें फूड मिले, हम मेल न्यूट्रिशन ना रहे, ठीक है, हमें हेल्थ फैसिलिटीज मिले, हमें इन्फेक्शियस डिसीज फ्री लाइफ मिले, हमें हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी मिले, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती है, ठीक है। डिफाइन करते हैं एक ऐसे प्रोसेस को जिसके अंदर पीपल्स की फ्रीडम बढ़ती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और वो अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करते हैं। इट इज़ द डेवलपमेंट दैट एन लार्जेस्ट पीपल चॉइसेस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ्स, ये उनकी चीज़ों को बढ़ाते हैं और इम्प्रूव करते हैं उनकी जिंदगियों को। दे कैन लीड हेल्दी, मीनिंगफुल एंड पर्पजफुल लाइफ विद डिग्निटी, कि वो एक ऐसी जिंदगी जी सकें जो एक हेल्दी हो, उसके कोई मतलब हो जिंदगी का, और एक डिग्निटी यानी भैया हम अपने हिसाब से अपने जो सर उठा के एक जीवन जी सके। ये है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी सिर्फ पैसा कमाना हमारा डेवलपमेंट नहीं है, हमें एक ऐसा जिंदगी या एक ऐसी जिंदगी जीनी है जिसके अंदर हमें फ्रीडम भी मिले, डिग्निटी भी मिले और सारी चीजें मिले। क्लियर?
जो इंडिकेटर्स हैं वो हैं बच्चा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एज है जो पर्टिकुलर पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव टूगेदर, लिव कि भैया एक व्यक्ति जहाँ तक जी सकता है, एक हायर एक्सपेक्टेंसी है ठीक है, जब तक एक व्यक्ति के पास जीवन जीने की इच्छा है, मतलब एक लंबी चीज जब तक एक व्यक्ति जीवन जी सकता है, लंबी चीज जब तक एक व्यक्ति जी सकता है उसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ जिनकी जो बच्चे एक वर्ष या उससे कम के होते हैं ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है ओवर 1000 लाइव बेबीज, यानी 1000 बच्चों पर जो जीवित बच्चे हैं उस पर मरने वाले बच्चों की संख्या जिनकी जो एज है वो एक वर्ष से यानी 1 ईयर से कम है, लेस देन 1 ईयर से ठीक है, लेस देन 1 ईयर। तीसरा एक्सेस टू नॉलेज, नॉलेज की एक्सेस हो सके, ये उस नंबर को रेफर करता है जो बोथ जेंडर जा रहे हैं स्कूल्स मोर देन 15 साल से ज़्यादा हैं और वो लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं और स्कूल में एनरोल्ड हैं। तो हम एजुकेशन की एक्सेस भी देखते हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, यूजुअली मेजर बाय ग्रोस नेशनल इनकम की GNI या फिर आप कह सकते हैं इसको पर कैपिटा इनकम ठीक है, पर कैपिटा के हिसाब से कितनी इनकम है हमारे पास, कैसी हम जिंदगी जी रहे हैं, ये भी एक सिंगल एट्रीब्यूट है, ये भी एक एट्रीब्यूट है सॉरी, जिससे हम पता लगाते हैं कि भाई हमारी जीवन कैसे चल रहा है, क्योंकि ये हमें बताता है कि भाई डोमेस्टिक और फॉरेन आउटपुट कितना है, हम कितना पैसा कमा रहे हैं, हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम अपनी चीजों को देखते हैं। लास्ट है एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये मेजर करता है उन टर्म्स को जो हम परचेज करते हैं पावर को, कि हम कितनी चीजों को खरीद सकते हैं, यानी परचेजिंग पावर कितनी है हमारे पास, हम कितने रिसोर्सेज खरीद पा रहे हैं, कितने रिसोर्सेज नहीं खरीद पा रहे, ये चीजें ये बताता है। क्लियर? तो क्लास क्लास क्लास, आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा ये 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब अगर आपने अभी भी प्रैक्टिस नहीं की है और आप देखना चाहते हैं वन शॉट या इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर, तो आई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे जाके देख सकते हो, वरना चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जल्दी से जाके सारी वीडियोस देखो ना भाई, अभी तक नहीं देखी तो क्या कर रहे हो गाइज। तो गाइज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइज।